मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली में एक होटल में ट्रेडमिल पर वर्कआउट करने के दौरान उनको अटैक आ गया था और वह बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। 58 साल के राजू श्रीवास्तव ने 42 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे पहले 40 साल के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले ही बॉलीवुड के 53 वर्षीय प्लेबैक सिंगर केके की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। लेकिन क्या 40, 53 और 58 साल की उम्र दुनिया छोड़ने के लिए होती है? आज के वीडियो में हम उन कारणों पर बात करेंगे जिनसे कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट दिल की गंभीर बीमारी या स्थिति है। अरेस्ट शब्द का अर्थ है रोकना। कार्डियक अरेस्ट में दिल धड़कना रोक देता है। आमतौर पर दिल में इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस की वजह से शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे पंपिंग एक्शन में रुकावट होती है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग होता है, क्योंकि हार्ट अटैक में दिल के एक हिस्से में ब्लड फ्लो रुक जाता है। हार्ट अटैक की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पैदा करता है। इसका इलाज तत्काल ना किया जाए तो मौत भी हो सकती है। दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिल की धड़कन की दर और लय को कंट्रोल करता है। हमारे साथ कुछ गलत होने पर हमारा दिल बहुत तेज, बहुत धीमा या असामान्य रूप से धड़कता है, जिसे अरिथमिया की स्थिति कहते हैं। यह बहुत कम समय के लिए और हानिकारक होती है, लेकिन कभी कभी यह अचानक कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकती है। कार्डियक अरेस्ट के समय अरिथमिया की स्थिति हमारे हार्ट वेंटिकल के निचले हार्ट चैम्बर में बनती है। तेजी से होने वाले इरेक्टिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के कारण हमारे वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पाते। इससे जो लोग पहले से अरिथमिया की स्थिति में हैं, उनमें कोरोनरी धमनी के रोग, दिल का दौरा, दिल का आकार बढ़ने, दिल के जन्मजात रोग और दिल की इलेक्ट्रॉनिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको शायद पता ही होगा कि जब हम छींकते हैं तो लोग गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते हैं। पहले ये मिथ था कि छींकने के वक्त पर हमारा हार्ट धड़कना रुक जाता है, लेकिन ये रुकता नहीं है, बल्कि स्लो हो जाता है। हालांकि होता ये सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ही है, पर ये स्थिति कार्डियक अरेस्ट में भी बदल सकती है। और इसी वजह से हमें गॉड ब्लेस यू बोला जाता है कि अलमाइटी ने आपको जीवन दान दिया है। है ना ये एक रोचक बात? और एक बात, हमारे हार्ट की ब्लड को पंप करने की क्षमता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जो ब्लड पंप होता है उससे 30 फुट की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है, मतलब एक मोटर पंप की तरह। कार्डियक अरेस्ट का खतरा किसको होता है? कार्डियक अरेस्ट होने के खतरे में स्मोकिंग, आरामदायक जीवन शैली, उच्च रक्तचाप, मोटापा, दिल के रोगों की फैमिली हिस्ट्री, हार्ट अटैक की हिस्ट्री, पुरुषों की उम्र 45 से अधिक होना, महिलाओं की उम्र 55 से अधिक होना और नशीले पदार्थों का सेवन शामिल है। किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो क्या करें? कार्डियक अरेस्ट के दौरान दिल बेहतर तरीके से नहीं धड़क पाता, इसलिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। तुरंत इलाज मिलने पर ब्लड की पंपिंग फिर से बहाल हो सकती है और दिल की धड़कन भी सामान्य हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर जांच करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG कहते हैं। इस जांच से पता चलता है कि दिल की धड़कन सामान्य है या असामान्य। क्या भविष्य में कार्डियक अरेस्ट को रोका जा सकता है? कार्डियक अरेस्ट जानलेवा हो सकता है, हालांकि तत्काल उपचार से जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट होने के कुछ मिनटों के भीतर यदि उपचार किया जाए तो ये काफी प्रभावी होता है। यदि हमें कभी कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो इसकी वजह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस वजह से ये पहले हुआ है उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम इससे निपटने की रणनीति बना सकते हैं। अपने दिल की रक्षा और भविष्य में कार्डियक अरेस्ट को रोकने के लिए अपने उपचार विकल्पों पर अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।